साथियों, आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। कुछ साथी मुझे बड़े प्यार देते हैं, सभी जानते भी होंगे। मैं राहुल जी का छोटा सा सिपाही, राहुल गांधी जी का भक्त, पंडित दिनेश शर्मा, आप सभी को नमस्कार करता हूं। मैं भी एक हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते आप सबके बीच में अपना जो विचार है और जो संकल्प है, मैं आप सबके बीच में लूंगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राव, जय राहुल गांधी। धन्यवाद दिनेश जी। अब मैं निवेदन करती हूँ छत्तीसगढ़ के मंत्री श्री टी एस सिंह देओ जी से कि वो मंच पे आए और प्रियाम्बल पढ़े। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। मैं अपने मुख्यमंत्री जी की ओर से, छत्तीसगढ़ शासन की ओर से आप सबके सामने इस बात को रखता हूं कि छत्तीसगढ़ में भी न CAA न NRC लागू होगी। शुक्रिया टी एस सिंह देव जी।